Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हारिस भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हारिस भाई का एक्सीडेंट हो गया है। वो आईसीयू में है। प्लीज जल्दी चलें। क्या? मेरा पर्स कहाँ? जल्दी चलें, मेरे पास वक्त नहीं है। कैसे? क्या हुआ उसे? ठीक तो है ना वो? उनको सिर्फ चोट आई है। किधर? क्या कोई हेड इंजरी है, स्पाइन इंजरी है, क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मैंने कॉल पे डिटेल्स थोड़ी पूछी थी। पापा को बताया? नहीं। चलो ठीक है, जल्दी आओ, बैठो। सॉरी मैम, आपने आने में बहुत देर कर दी, इनकी डेथ हो चुकी है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. तो मैं घर जाके देख लूंगी। अरे बात तो सुनो। अरे रुको एक सेकेंड। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। एक सेकेंड। यार I'm so sorry, मैं तुम्हें और कैसे बुलाता? इतनी हेक्टिक रूटीन चल रही है मेरी, और घर तुम्हारा, ओ माय गॉड, तुम्हारे हिटलर डैड रात के 10 बजे के बाद वैसे ही मुझे फायर मार दें। मरने का ड्रामा जरूर करना था। मैं इतना डर गई थी, मैंने कैसे गाड़ी चलवाई है मुझे पता है। आपको समझ भी आ रही है कि do you even know कि मैं, मतलब कि you love me, right? आपको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए था, आप जाके ना किसी स्टेज ड्रामे पे कोई मजनू बन जाए या कोई रांझे का रोल करें। डॉक्टरी मेरा पेशा है और मोहब्बत मुझ पर फर्ज। मैं प्यार के लिए बना हूं और सारी जिंदगी प्यार करता रहूंगा, ठीक है? और तुम मेरी मंगेतर हो यार, मैं तुमसे नहीं प्यार करूंगा तो और किससे करूंगा? नर्स रोजी से? और कहां है मेरी हीरे की अंगूठी? ये आपकी अंगूठी आप रखे, मैं ये ड्रामा नहीं हैंडल कर सकती। अरे मेरी बात तो सुनो एक सेकेंड। नूर, अनारकली ने ऐसे ही हीरे की अंगूठी खा के खुदकुशी की थी ना, मैं ये अंगूठी खा के मर जाऊंगा, समझी तुम? मेरी एक्सबॉक्स, मेरी वीडियो गेम्स, मेरी गाड़ी, मेरा नया फोन, सब कुछ तुम्हारा होगा। अच्छा अच्छा, बस बस बस, बहुत ड्रामा हो गया, ये मुझे दे। एक तो अंगूठियां खा के लोग नहीं मरते। और अनारकली अंगूठी खा के नहीं मरी थी, उसे दीवार में चुनवा दिया गया था मेरी तरह। थैंक यू, अजीब सरप्राइज था लेकिन ठीक था। तुम घर चलो जल्दी। ये खुशी हो रही है मुझे। <clears throat>
भी ठीक है। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है ये जोड़ी, और दुल्हन बन के तो ताजवर कितनी हसीन लग रही हो तुम। खुदा हमेशा इस जोड़ी को सलामत रखे। और हारिस मियां, अरे कितना चाहते हैं ताजवर तुम्हें। ऐसा इश्क मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा है। इसमें अल्लाह से दुआ करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और ये जोड़ी ता कयामत बनी रहे। मेरे दिल से हमेशा दुआ निकलेगी। बहुत खुश हूँ। ये कमरा मुझे मेरा नहीं लगता है, बल्कि ये पूरा घर ही मुझे मेरा नहीं लगता है। तुम, शाही बुआ, पापा भी सब हारिस के साथ मिले हुए हो। अच्छा ये कार्ड तो देखें। मैं इसे देखे बगैर तुम्हें बता सकती हूँ कि उसने क्या लिखा होगा। अच्छा चलें बताएं क्या लिखा है। एक ही जैसी बातें करता है। मेरी प्यारी ताजवर, जिंदगी एक बार मिलती है और ये जिंदगी मैंने तुम्हारे नाम कर दी है, और अगर जिंदगी बार बार मिलती होती तब भी तुम्हारे नाम कर देता। कुछ ऐसे ही लिखा है ना। अरे वाह, अच्छा ऐसे तो ना उनकी फीलिंग्स का मजाक उड़ रहा है। ही सो स्वीट। चाय में अगर कोई 6 चम्मच चीनी डाल दे तो जायका खराब होता ना, तो अगर जिंदगी में कोई इतना स्वीट हो जाए तब भी जायका खराब हो जाता है। खैर गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हारे बाबा तुम्हारी सालगिरह के लिए बहुत से तोहफे लेके आए हैं। आओ देखते हैं चल के। मुझे नहीं देखना। मगर क्यों बेटा? तोहफे बस खरीद के रख दिए उन्होंने, वो दा के दे नहीं सकते थे। ताज, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, पर हाँ वो शाम को वो हारिस और मैरीन आ रहे हैं शादी की तारीख तय करने के लिए। Breakfast is served. खैरियत है? बड़ी खिदमतें हो रही हैं। अच्छा जी, उस दिन पास्ता किसने आपको बना के दिया था? हाँ? आपका उस दिन पिछले साल था, अगर तो आपकी याददाश्त कमजोर नहीं है डॉक्टर साहब, या फिर आप ये कहें कि आपको ताजवर के सिवा कुछ समझ ही नहीं आता। वाह बहन, हो तो ऐसी हो जो भाई की दिल की बात को यूं समझे। क्या बात है आपकी। अभी आपको पता तो है हुमायूं भी चला गया है, मेरा कोई दोस्त शोस्त तो है नहीं यहाँ पे। अब मैं दिल की बात आप ही से करूँगा ना। अच्छा जो भी कहना है जल्दी कहो, मी गेटिंग लेट। हाँ देर हो जाएगी मुझे। वो मैंने कहना था कि रफीकी अंकल से बात करें ना, मतलब समझ भी जाए ना आप क्यों इतनी इंपॉर्टेंस ले रही हैं मेरी। देखें आपने जर्मनी चले जाना है अपने PhD के लिए, उसके बाद मैं क्या करूँगा, अकेला हो जाऊँगा बिल्कुल। नो इमोशनल तकरीर, जल्दी से बताओ बात क्या है, कम टू द पॉइंट। मेरी शादी की बात करें रफीकी अंकल से और डेट फिक्स करें आज ही। आज ही? तो आज में क्या खास बात है? आज ताजवर का बर्थडे है। इट्स अ वेरी स्पेशल डे और हम विश करने जाएंगे और गिफ्ट भी लेके जाएंगे, ठीक है? हाँ ओके 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 ओके, चलेंगे चलेंगे, जरूर चलेंगे। एक बात आप स्किप हो गया ना, याद ही नहीं रहा कि उसका बर्थडे है। कुछ खरीदा ही नहीं मैंने उसके लिए, so sorry. Don't worry, already done. मैंने आपकी तरफ से बर्थडे गिफ्ट भी ले लिया क्योंकि मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ताजवर के मजनू हैं। Of course, आपको पता है मैंने तो अगले साल की बर्थडे भी प्लान कर लिया। Maldives, 8 दिन का परफेक्ट ट्रिप, मिस्टर एंड मिसेस हारिस की होटल बुकिंग हो चुकी है। You were crazy, हारिस। हॉस्पिटल नहीं जाना तुमने? जाना तो है, आज डे और नाइट ड्यूटी है मेरी। कैन यू बिलीव, MS साहब है ना, उन्होंने बर्थडे गिफ्ट दिया मुझे ये ताजवर का। मी गेटिंग लेट। हाँ तुम्हें बाद में देखूंगी, बात करते हैं शाम में। अरे ऑमलेट लब्बा भाई सिया। अरे ऑमलेट तो खाए, इतनी मुश्किलों से बनाया था मैंने।
ये क्या कानों में टूटियां लगाकर सुनती रहती हो? अरे एक रोज नहीं सुनोगी तो क्या खाना हजम नहीं होगा? बस कुछ ऐसे ही है शाही। ये शाही शाही क्या बोलते हो तुम लोग भाई? शहाना बेगम से हम शहाना बुआ हुए, फिर शाही बेगम से हम शाही हुए, अब कल को तुम शाह शाह कर देना। शाही, अब दुनिया इतनी स्पीड पे चलती है बिल्कुल बुलेट्स की तरह, और आपका नाम शाहाना बेगम, इतना लंबा कौन बोले? सच पूछे तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हारा ये काम। कोई और काम क्यों नहीं कर लेती हो? मसलन भाई, जो लड़कियां काम करती हैं, घरदारी, सिलाई कढ़ाई, खानादारी, खाना पकाना, घर देखना, ये काम मैं करूंगी तो शाही आप क्या करेंगी? आपकी तो नौकरी गई ना। ताजवर, शादी के बाद लड़की के लिए और कोई नहीं, सिर्फ हांडी चूल्हा काम आता है। तो क्या, एक मिनट शाही। हाँ बैठे। हाँ। मुझे ये बताएं कि माँ बाप लड़कियों को ये काम इसलिए सिखाते हैं ताकि उनकी शादी हो जाए और वहां जाके वो ये काम करें? मतलब मेरी कोई और अपनी जिंदगी, अपनी ख्वाहिशात, कोई अपने ख्वाब, कुछ भी नहीं है। हाँ ताजवर, तुम भूल रही हो, सब कुछ तुम्हारे बाबा ने पूरा कर दिया हुआ है। कोई तुम्हारी ऐसी ख्वाहिश नहीं जो पूरी नहीं करते। और वो हारिस मियां, वो तो तुम्हारे नाज नखरे उठाते थकता नहीं है। अरे कितनी खुशकिस्मत हो तुम, राज करोगी राज। चले, अगर वहां जाके मैंने राज करना है तो यहाँ पे तो म्यूजिक सुनने देना। ताजवर, तुम्हारे बाबा तुम्हारी सालगिरह के लिए बहुत से तोहफे लेके आए हैं, आओ देखते हैं चल के। मुझे नहीं देखना। मगर क्यों बेटा? तोहफे बस खरीद के रख दिए उन्होंने, खुदा के दे नहीं सकते थे। शाम को तुमने उनका लाया हुआ जोड़ा पहनना है। अच्छा, मुझे उनका दिया हुआ कुछ नहीं चाहिए शाही, जो मुझे चाहिए वो तो वो मुझे दे नहीं सकते। किस कदर बातें करती है ये लड़की। बस बस, 2 साल से तेरी शक्ल नहीं देखी, लाहौर आने का टाइम ही नहीं है तेरे पास, किस किस्म का दोस्त है तू? अच्छा बस कर, बस रहने दे अब। वैसे तेरी नाराजगी है तो जायज, कुछ कर्ज थे यहाँ पे, वो उतारना था। वो कौन से? वो तेरे ताया जान, जिन्होंने यतीमों वाला सलूक किया तेरे साथ। कम ऑन हुमायूं, क्या हो गया तुझे यार, तुझे यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा चल बस कर दे अब, अपना मूड ठीक कर, एक खुशखबरी देनी है तुझे। क्या? डोंट टेल मी तू उनकी बेटी से शादी तो नहीं कर रहा, मान तो नहीं गया तू? नहीं, ऐसी कोई खुशखबरी नहीं है। खुशखबरी ये है कि मैं लाहौर आ रहा हूँ अभी पूरे 2 महीने के लिए। अपनी पोस्टिंग करवाई है मैंने जबरदस्ती वहां पे। क्या बात है। अच्छा तू सीधा मेरी तरफ आएगा, ठीक है ना? नहीं 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 नहीं, आज नहीं, आज मैं बहुत थका हुआ हूं, हम कल मिलते हैं। बकवास मत कर, शाम को हमने ताजवर के घर जाना है, उसकी बर्थडे है, तो तू भी चलेगा साथ। यार हारिस बात सुन, तू चला जाना वहां पे, हम लोग कल मिलते हैं ना। यार तेरा वहां जाना बहुत लाजमी है, क्या कर रहा है तू? यार शाम को मेरी शादी की डेट फिक्स होने जा रही है यार, यू हैव टू बी देयर। देख यार मेरी बात समझने की कोशिश कर, मुझे ऑफिस में रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है, हम लोग कल मिलते हैं ना। तू तो चाहता ही नहीं मैं उससे शादी करूं। मैं काम करता हूं, मैं अपिया से कहता हूं कि जब तक तू फ्री नहीं हो जाता ना, सब कुछ होल्ड पे कर दें, इवन ताजवर की बर्थडे। बात सुन मेरी, ज्यादा डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है चल लूंगा मैं साथ। 8 बजे तक पहुंच जाना यहां पे, तैयार। लाफिस। ओके बाय। घर के अंदर आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, अगर आपने कुछ कहना है तो कहते। मुझे जो भी कहना था वो मैं कह चुका हूँ। और जो कुछ कह चुके हैं उस पर कुछ सोचा आप? तुम्हें क्या लगता है कि सब जो मैं तुमसे कह रहा हूँ ये बिना सोचे बिना समझे कह रहा हूँ? देखो ताज, हम दोनों की जिंदगियों के लिए यही बेहतर है। बात सिर्फ आपकी जिंदगी की होती तो कोई बात नहीं थी,
मायूं आपकी खामोशी तीन जिंदगियां बर्बाद कर रही है, मेरी, आपकी, हारिस की। तो क्या मेरे खामोशी तोड़ देने से तीनों जिंदगियां बच जाएंगी? तुम बात को समझ नहीं रही हो। हारिस के खानदान वालों के मुझ पे बहुत एहसान है। क्या उन एहसानों की कीमत मैं हूँ? और कोई तरीका नहीं उनके एहसान पूरे करने का? ताज नहीं है कोई रास्ता, कोई रास्ता नहीं है, कम अज कम हारिस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। देखो तुम्हारी जिंदगी हारिस के साथ बहुत अच्छी गुजरेगी। अगर तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़कता है तो उस दिल को समझा दो, मुझे बुला दो ताज। तो आप पापा से ये नहीं कहेंगे कि आपकी बेटी मुझे चाहती है पर मेरा रिश्ता उससे जोड़ दे पर मैं उसको बहुत खुश रखूंगा? नहीं बोल सकता ताज, क्या बोलूं उनसे जाके कि अपनी बेटी का हाथ एक यतीम और शकलिंग लड़के को देते सिर्फ इसलिए कि वो उससे। रुक क्यों गए? क्या क्यों नहीं देते कि आप मुझसे उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी मैं आपसे करती हूँ? नहीं कहूंगा मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी और हारिस की जिंदगी पर बात कर दूं, इसीलिए मैं आज शाम इस्लामाबाद जा रहा हूँ। वहां मेरी एक जॉब लग गई है और CSS के एग्जाम्स का रिजल्ट भी आने वाला है। अल्लाह मालिक अब जो भी होगा। मतलब आप मेरे शहर में भी नहीं होंगे, मैं बहाने से आपकी शक्ल भी नहीं देख सकूंगी। कर चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। Come in. Many happy returns of the day. कैसा मेरा बच्चा? Of all the days, आज भी नाराज हो अपने पापा से? जी बिल्कुल मामा की तरह, वो भी तो आपसे खफा थी जब वो इस दुनिया से चली गई और उनके साथ आपने उनके सारे शौक ख्वाब सब कुछ दफना दिए। पापा आखिर क्यों? बहुत सवाल करने लगी हो तुम आजकल। आप ही ने तो सिखाया है, आप ही तो कहते हैं कि जो लड़कियां खामोशी से जुल्म सहती रहती हैं उनसे आपको वहशत होती है। उसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अपने बाप से बदतमीजी करने लगो? नहीं मैं बदतमीजी हरगिज नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे बहुत अदब से एक सवाल पूछ रही हूँ जो मैं कई सालों से पूछती आ रही हूँ। मामा कैसे मरी? क्या उनकी वो बीमारी उन्हें ले गई या उनके साथ कोई हादसा हुआ या उन्होंने किसी बात की वजह से खुदकुशी कर ली? प्लीज मुझे बताएं, आज तोहफा समझ के ही बता दें। आज मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूं, पर हाँ वो शाम को वो हारिस और मैरी नारायण शादी की तारीख तय करने के लिए 3 साल काफी होते हैं किसी भी मंगनी के लिए। किसी भी मंगनी? और वो मंगनी जो नादानी में की जाए उसका क्या? मैं 19 साल की थी जब ये मंगनी तय हुई पापा, मुझे तो किसी चीज की समझ नहीं थी लेकिन आप तो सब कुछ जानते थे, फिर मुझे कंधे का बोझ समझ के क्यों फेंक रहे? क्या खराबी है हारिस में? मेरे मरहूम दोस्त का बेटा है, खानदानी है, डॉक्टर है, बहुत काफी होता है ये किसी भी शादी की कामयाबी के लिए। कामयाब शादी के लिए इतना काफी होगा अगर कामयाब जिंदगी के लिए इतना बहुत नहीं है पापा। जीने के लिए मोहब्बत की जरूरत होती है जो मुझे हारिस से नहीं है, मैं जानती हूँ क्योंकि उसे देखकर मेरा दिल नहीं धड़कता, उसे सोचकर मेरा चेहरा नहीं दमकता, वो आसपास ना हो तो मेरी सांसें नहीं रुकती। हारिस एक अच्छा इंसान है, अच्छा दोस्त है, मगर वो मेरा हमसफर नहीं है, उसकी और मेरी तो मंजिल भी एक नहीं है। आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मुझे हुमायूं बख्श दें। मैं आपसे कैसे कहूँ कि हुमायूं मेरी जिंदगी है? कैसे बताऊँ कि बस वही मुझे मुकम्मल कर सकता है? मैं क्या करूँ पापा, सिर्फ जिंदा रहूँ या एक बार जी लूँ? कैसे बताऊं मैं कर, हर रोज हर लम्हा मुझे तुम्हारी कमी जिंदगी के किस किस मोड़ पे महसूस होती है।
मैंने तुमसे वो सरल सी बेवफाई ना की होती तो शायद तुम कुछ और अरसा जी लेती। पता है आज ताजवर सब कुछ जानते हुए मुझसे सच सुनने की जिद करती। और सफाई में मेरे पास झूठ कहने के सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन ये भी तो सच है कि मैंने तुम्हें नहीं मारा। लेकिन ये अधूरा सच उसे कैसे बताऊं? कैसे बताऊं कि मैं बेवफा जरूर था लेकिन बेरहम नहीं। तुम्हारा कातिल नहीं निकल। मुझे ताजवर के चेहरे पे ढूंढने से भी खुशी नजर नहीं आ रही। ये तो उसकी अदा है, वो अपनी फीलिंग्स मेरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाती। इस तरह मुझे बर्बाद करके चले गए और अब मासरत कर रहे। खत्म कर दिया आपने मुझे, क्योंकि ना मैं आपकी रही हूँ, ना आरिस की और ना कभी अपनी रहूंगी। ओह गॉड, ये देखो 30 कॉल्स आई हुई हारिस भाई की। यार तुम इतनी सैड क्यों बैठी हुई हो? वो आज से तुम्हारी डेट लेने आ रहे हैं, तुम्हें ब्याह के नहीं फौरन ले जाएंगे। तुम्हें पता है जब मेरी शादी होगी ना, मैं तो ऐसे शान से रुखसत होंगे। तुम्हें अम्मी याद नहीं आती? तुम्हें पता है जो गाना भी लगा हुआ था, मरने से पहले अम्मी ये सुन रही थी। पता है मुझे, मगर वो इसे सुन तो नहीं रही थी। वो तो कोमा में थी और पापा ने उनके सरहाने ही गाना लगाया हुआ था। वो अचानक कैसे मर गई? कैसे? क्या तुम हर खुशी के मौके पर ऐसी बातें लेकर बैठ जाती हो? प्लीज भूल जाओ मामा की डेथ को और पापा को माफ कर दो। ना मैं कभी मामा की मौत को भूल सकती हूँ और ना मैं पापा को कभी माफ कर सकती हूँ। शायद कर देती अगर ये मेरे साथ हारिस वाला किस्ताना शुरू करते थे। क्या बुराई हारिस भाई में? पापा को उस वक्त जो समझ में आया उन्होंने वही किया। पापा के लिए मैं और तुम पैरों की जंजीरें हैं। उन्होंने एक जंजीर उतारी और हारिस को सौंप दी, बस। हाँ, और तुमने अंगूठी पहन ली तो और क्या करती? एक 19 साल की बच्ची जिसके सर पे माँ नहीं है, कॉलेज से घर आती है और उसे पता चलता है कि बस उसको तैयार होना है उसकी मंगनी है। किससे है मंगनी नहीं पता। वो तो मुझे तब जाके पता चला कि हारिस है जब मैं ड्राइंग रूम में गई। इतनी जल्दी तो कोई घर का फर्नीचर नहीं फेंकता। अगर तुम 5 साल में पापा को ये सब कुछ नहीं बता सकी ना कि तुम बड़ी हो चुकी हो, मच्योर हो चुकी हो, तुम जान चुकी हो तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं, तो आई एम रियली सॉरी टू से ये सब तुम्हारा कसूर है। अब वो लोग आ रहे हैं आज डेट लेने के लिए, फिर वहां जाके हंगामा मचा देना, फिर कोई मरे या जिए तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? लो, सारा काम हम पे डाल दिया, अब हम अकेले क्या क्या कर लेंगे? और ये लड़कियां, मजाल है इनकी जो ये किचन में आके झांक के भी देख ले। सब कुछ मुझ पे डाल दिया, मैं अकेली जान। उफ, उन्होंने इतनी लंबी लिस्ट मुझे पकड़ा दी और कहा देखो बुआ तुम समोसे भी खुद तल लो, रूट चाट भी बना लो, तुम दही बड़े भी बना लो और केक वो बेकरी से ले आएंगे लो। तो भी वो इतना आसान क्यों कर रहे हैं मुझ पर? हमें आता है ना केक बनाना, हम रोज़ TV पे देखते हैं कि शेफ कैसे केक बनाता है, हम केक भी बना लेंगे। बड़ी आपकी मेहरबानी, आप रहने दें।
अरे तू क्या हंस रही है, इतना थोड़ा टाइम रह गया, जाके बाहर सब सजा। लड़कियों को तो बस फैशन आता है, मेकअप करा लो इनसे, ज्वेलरी पहना लो इनको, बाजार जाना हो तो एक मिनट में तैयार हो जाएंगी, लेकिन किचन का रुख नहीं करने की, वो बुआ जो है करने के लिए। हैप्पी बर्थडे, हमारा बर्थडे के। थैंक यू सो मच। क्या है इसमें? तुम खुद ही देख लो। वाओ, थैंक यू सो मच। हाँ भाई, वही तुम सुनाओ, जॉब कैसी जा रही है? जॉब अंकल लग रहा है मैं, बल्कि अब तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। गुड अंकल, दो हफ्ते बाद क्यों ना वीकेंड पे 30 मार्च को शादी की डेट फिक्स कर ली जाए। हाँ, जैसे उन लोगों को अच्छा लगे ऐसे ही कर लेते। मुबारक हो भाई। मुबारक हो। अच्छा, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूँ, तुम लोग एंजॉय करो, आई जॉइन यू लेटर। सरप्राइज यार, तू लाहौर आ गया। बस यार, तेरी याद आ रही थी तो आ गया तेरी खातिर। कैसी हो आज? हमेशा की तरह नाखुश और नाशुक्र गुजार। वैसे आप कहाँ थे? हारिस आपको मिलने के लिए बेताब हो रहे थे। मेरा दोस्त, मेरा जिगर, 2 महीने के लिए मेरी खातिर लाहौर आ गया। क्या बात है यार, हुमायूं तूने बताया नहीं यार, तू 2 साल पहले एकदम से लाहौर से क्यों चला गया? एक्चुअली यकीनन किसी की वजह से गए होंगे, किसी ने बहुत तंग किया होगा या किसी से नफरत हो गई होगी। अच्छा छोड़ो ना यार, व्हाई आर यू बॉदरिंग हिम, देखो कितने प्यार से केक लाया तुम्हारे लिए। ऐसी जरूरत नहीं थी, केक तो हम काट चुके थे। बट थैंक यू सो मच। दिखाता हूँ। तेरे से मिलती है। हारिस, तुम्हारी शादी तो हो रही है आखिरकार, लेकिन मुझे ताजवा के चेहरे पे ढूंढने से भी खुशी नजर नहीं आ रही। ये तो उसकी अदा है, वो अपनी फीलिंग्स मेरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाती। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि कोई गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि जैसे अंकल की खातिर उनका उनका किया हुआ फैसला निभा रही है। क्यों हुमायूं, तुम्हारा क्या ख्याल है? जी अपिया, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, नॉर्मली थी वो, और अपना हारिस भी तो उस पर कुछ ज़्यादा ही जान इशार करता है। हो सकता है शायद उसे कुछ स्पेस चाहिए। अरे कोई स्पेस वेस नहीं चाहिए उसे यार, ये ना हो कि मैं पीछे हट जाऊँ तो कोई दूसरा बीच में आके घुस जाए जैसे फिल्मों में होता है। हारिस यार, एक बहुत ज़रूरी बात तुझे बतानी है। वो ताया जी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई यार, तो जिस दिन तेरा निकाह है मुझे उसी दिन निकलना पड़ेगा। सॉरी, आई होप यू अंडरस्टैंड। और मैं जो तुम्हारे बगैर मर रहा हूँ उसकी कोई परवाह नहीं है तुम्हें? इट्स ओके ना हारिस, जाने दो उसे, अगर इतना ही मसला है। वैसे तुम दोनों की दोस्ती देखकर मुझे रश्क होता है। ये तो कुछ भी नहीं है, आप हमारे बाकी के किस्से सुन लेना तो आप हैरान हो जाएं। आपको पता है एक दफ़ा मेरी 3 लड़कों से लड़ाई हो रही थी, मैं तो वहाँ से भाग गया, लेकिन हुमायूं ने उन 3ों के साथ डट के लड़ाई की। ओह रियली?
हड्डियां भी तोड़ाई हैं इसने अपने काफी। अच्छा हड्डियां तोड़वाई, अब वो याद नहीं है जो एक लड़का था उसकी हड्डियां तोड़ी भी थी। Hey. Hi. How are you? Good. Looking nice. Thanks. मैंने यहाँ पे तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि हमारी आखिरी मुलाकात है। आखिरी मुलाकात? क्यों? मायों किधर रह गया यार? अरे खाना ऑर्डर करना है, जल्दी कर। किधर पार्किंग में? चल ठीक है, आ जा। Okay. हमारी आखिरी मुलाकात में हुमायूं क्या कर रहा है? तुम जब चिढ़ती हो ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। दो दिन बाद हमारी शादी है यार, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारी आखिरी मुलाकात। तो मेरी चाहती ना कि वो हमारे साथ बैठा। ए बड़ी, कैसे है? सॉरी आई एम बिट लेट। सॉरी एक्सेप्टेड। कैसे हो ताज? यार खाना ऑर्डर करते हैं। एक्सक्यूज मी। अरे जमान की कॉल है। हाँ व्हाट? ओह माय गॉड, क्या बात कर रहा है यार। अच्छा हाँ हाँ बता। क्या जरूरत थी वापस आने की? दो सालों में मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को हारिस की तरफ माइल किया है, फिर क्यों आए? फिर वापस आगे मेरा ही मान खराब करने। सॉरी लेकिन यहाँ आने का कतई वो मकसद नहीं। ये पोस्टिंग यहाँ पे होगी इसलिए मुझे मजबूरन यहाँ आना। मैं तो हारिस से मिलकर चला जाता लेकिन उसने मुझे रोक लिया। मुझे याद किया हुआ है? कभी किसी रात रोए मेरे लिए, कभी तड़पे, या बस फरामोश कर दिया मुझे? क्योंकि ये सब मैंने किया था। मेरी बेचैनी, मेरी तड़प का एहसास कभी ना कभी तो हुआ होगा ना आपको? बोले अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है तुम मुझे। वैसे भी मैं सबके लिए तुमसे माजरत कर चुका। बड़ा अच्छा लफ्ज है ये तो। माजरत तब क्यों नहीं की जब मुझसे मोहब्बत की थी, जब मेरे दिल में आकर बस गए थे? इस तरह मुझे बर्बाद करके चले गए और अब माजरत कर रहे हैं। खत्म कर दिया आपने मुझे, क्योंकि ना मैं आपकी रही हूं, ना हारिस की, और ना कभी अपनी रहूंगी। आपको मेरी कसम है, जितना जल्दी हो सके आप यहां से चले जाएं। आपकी शक्ल नहीं देखी। सॉरी गाइस, जमान की कॉल थी यार, वो वाला कोर्ट से वहां जलजला आ गया यार, इमरजेंसी हो गई है। कह रहे थे डॉक्टर्स बहुत कम है। मैं सोच रहा हूँ अपने हॉस्पिटल से कुछ डॉक्टर्स को मोबिलाइज करके ले जाऊं अपने साथ। तो तू क्यों जाएगा साथ? इतने सारे डॉक्टर्स हैं, उनमें से किसी को भी भेज दे। तुम्हारी दो दिन बाद शादी है, तुम अपनी शादी को छोड़ के वहां जाओगे बालाकोट? हमें जाना पड़ेगा यार, इमरजेंसी। तुम कहीं नहीं जा रहे हो समझे? सलमान को फोन करके तो खुद मना कर रहे हैं, मैं अपने पास से फोन करूं? जिंदगी में एक नेक काम करने जा रहा हूँ, वो भी नहीं करने दे रहा मुझे। ओ भाई इतने सारे डॉक्टर्स हैं, उनमें से किसी को भी भेज देना यार। तेरी दो दिन बाद शादी है तो कहां वहां जाएगा? तुम क्यों नाराज हो रही हो? बस अजीब सा लग रहा है कि एन मौके पे आप जा रहे हैं। आई प्रॉमिस आई विल बी बैक।
इसको छोड़ दो ना तुम, बाहर माइयों का इंतजाम देखो। अरे शाही इंतजाम सब ठीक ठाक है। हाँ उसको छोड़ो तुम, मुझे ये बताओ कि खबर आई दूरा मियाँ पहुँच रहे हैं कि नहीं। नहीं कल तक वापस आ जाएगा, फोन पे बात हुई थी उससे, वो बालाकोट से एबटाबाद जा रहा था। हाँ वैसे सही कह रहे हो तुम, दुनिया में वहाँ एक डॉक्टर हारिस ही तो रह गया है जिसने मरीजों का इलाज करना है, बेहद होती है। दो दिन के बाद शादी है, ये कोई मजाक है? आपको पता होगा आज इकत की बहुत याद आ रही है, होती ना तो मेरे आधे हम बांट लेते, मैं अकेला कैसे नुकसान करूंगा अपनी बेटी को। हर खुशी अधूरी लग रही है आज, घर में हर कोई एक दूसरे से आंसू छुपाता फिर रहा। हाँ ये तो तुम्हें पता है कि बेटियां तो आंगन की चिड़िया होती है, एक रोज उन्हें फूट से उठ जाना होता है। तुम्हें क्या पता मुझ भी क्या बीत रही, मेरा कलेजा कटा जा रहा है। मैं नीची थी जब मैंने उसको अपने हाथों से पाला, जब फ्रॉक पहनती थी भागी फिरती थी, मुझे ऐसे लग रहा जैसे अभी की तो बात है और आज उसे रुखसत कर रहे। दुआ करूं खुदा उसके नसीब अच्छे करे, वो अपने घर खुशी। अभी मुझे पता था कि आप यहीं होंगे, मेरी जिंदगी बर्बाद करके खुद टीवी देख रहे हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? यह बाहर सो रही है, अगर तुम्हें किसी ने यहाँ पे देख लिया तो हारिस की इज्जत दो कौड़ी की रह जाएगी। तुम जाओ यहाँ से आज। खुदा के लिए मुझे शादी से बचा लो हुमायूं, अभी भी वक्त है। देखो कल फिर हारिस आ जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम क्या चाह रही हो ताज? हम आज रात ही निकाह कर लें, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, पापा भी आहिस्ता आहिस्ता मान जाएंगे और हारिस कुछ नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे सब राजी हो जाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम चलो यहाँ से, चलो मेरे साथ। हुमायूं चलो। अब चुपचाप अंदर घर जाओ, अब मैं यहां पे उस वक्त तक खड़ा रहूंगा जब तक मेरा दोस्त आके तुमसे निकाह नहीं करता। जाओ तुम अंदर। हेलो हारिस की डेथ हो गई। शाही आप उससे बात करके देखें ना कि उसका झुकाव किस तरफ है। आप बात करके तो देखें उसे। मेरे पास बचा भी क्या है जीने के लिए सिवाय तल्ख माजी और एक मायूस मुस्तकबिल। तुम उस वक्त बहुत छोटी थी, जो तुम्हारे नन्हे दिमाग ने तुम्हें बताया तुमने वैसे ही सोचा। इतनी छोटी नहीं थी पापा, 14 साल की थी। इतनी समझ थी मुझ में कि आपकी इस बढ़ती फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप कहा जा सकता है।